मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबरों में। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है कि आज पूरे देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। कोरोना वायरस लड़ाई में आज वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। आपको बता दें कि पूरे देश में 16 जनवरी यानी आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों टीकों के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी थी, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं, मतभेद और हल्की एफआईएस यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के बारे में जानकारी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही डूज और डोंट्स वाले दस्तावेज को सभी प्रोग्राम मैनेजर, कोल्ड चेन हैंडलर और वैक्सीनेटर के बीच भी प्रसारित किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि डूज और डोंट के दस्तावेज के अनुसार टीकाकरण की अनुमति केवल 18 साल से अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो अपनी गर्भावस्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह वैक्सीन नहीं लगानी जानी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है। वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को 14 दिनों के अंतराल से अलग किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिसमें पहली डोज ली गई थी। वैक्सीन के इंटरचेंजिंग की भी अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 3 चरणों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, दूसरे चरण में भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को लगाया जाएगा, तीसरे चरण में ऐसे लोगों को लगाया जाएगा जो 50 साल की आयु से ऊपर हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इसके लिए सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। पूरे देश में 16 जनवरी यानी कि आज से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों टीकों के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी थी, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं, मतभेद और टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के बारे में सारी जानकारियां शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा था कि डूज और डोंट्स के दस्तावेज के अनुसार टीकाकरण की अनुमति केवल 18 साल से अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो अपनी गर्भावस्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है। वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को 14 दिनों के अंतराल से अलग किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिसमें पहली डोज ली गई थी। साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन के इंटरचेंजिंग की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है, जहां राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चंदौली के मुगल सराय में भी अभियान चलाया जा रहा है। राम भक्तों का यह जत्था राम मंदिर निर्माण के लिए हर घर से कूपन के माध्यम से सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें 10, 50, 100 और 1000 के रुपए के कूपन भी शामिल है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कार्यकर्ता ने पहले दिन 1100 लोगों से संपर्क का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की बाकायदा एक संयुक्त टीम गठित की गई है, जिन्हें क्षेत्रवार चंदे की जिम्मेदारी दी गई है। इसे 9 विकास खंड और 4 नगरों में विभाजित कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राम भक्तों की 140 टोली घर घर जाकर जन सहयोग मांगेगी, जिसे आरएसएस ने निधि समर्पण राशि का नाम दिया है, जो कि आरएसएस की मदद से लोगों से सहयोग के रूप में लिया जा रहा है, जिसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद कर रही है। आपको बता दें कि चंदौली जिले में 5 करोड़ धनराशि का लक्ष्य रखा गया है। यह धनराशि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इसका उपयोग राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा। वहीं राम मंदिर निर्माण में निधि समर्पण राशि का सहयोग देखकर लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1990 से हम लोग राम मंदिर के लिए प्रयासरत थे, यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष का विषय है, अब वो बनने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में अपना निधि समर्पण राशि का सहयोग देकर वो और उनके परिवार बेहद खुश हैं। साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चंदौली के मुगलसराय में ये अभियान चलाया जा रहा है। राम भक्तों का यह जत्था राम मंदिर निर्माण के लिए हर घर से कूपन के माध्यम से सहयोग ले रहा है। आपको बता दें कि कूपन 10, 50, 100 और 1000 रुपए के शामिल है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कार्यकर्ता ने पहले दिन 1100 लोगों से संपर्क का लक्ष्य रखा है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की बाकायदा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिन्हें क्षेत्रवार चंदे की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसे 9 विकास खंड और 4 नगरों में विभाजित कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम भक्तों की 140 टोली घर घर जाकर जन सहयोग मांगेंगे, जिसे आरएसएस ने निधि समर्पण राशि का नाम दिया है, जो कि आरएसएस की मदद से लोगों से सहयोग के रूप में लिया जा रहा है। हिंदू विश्व हिंदू परिषद कर रही है। आपको बता दें कि चंदौली जिले में 5 करोड़ धनराशि का लक्ष्य रखा गया है। यह धनराशि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी, जिसका उपयोग राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा। वहीं राम मंदिर निर्माण में निधि समर्पण राशि का सहयोग देखकर लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1990 से हम लोग राम मंदिर के लिए प्रयासरत थे, यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष का विषय है, अब वो बनने जा रहा है, तो हम लोगों को काफी खुशी हो रही है। राम मंदिर निर्माण में अपना निधि समर्पण राशि का सहयोग देकर वो और उनका परिवार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मैं रामकिशोर पोद्दार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जिला सह संचालक बोल रहा हूँ। किस तरह से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? ये भाई साहब चंदा नहीं है, ये एक निधि समर्पण राशि है राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से, जिसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और सहयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। और चंदौली जिले का हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो 5 करोड़ रुपए का रखा है, और हो सकता है प्रभु ने चाहे तो हम 5 करोड़ से ज़्यादा लक्ष्य पार करके चले जाएंगे। और ये राशि स्वतः अयोध्या हमारे जो अपनी केंद्रीय सरकार ने ट्रस्ट बनाया है उसी में जाएगा और उसी के माध्यम से ये पैसा खर्च हो। मैं राम का विषय है मेरे लिए 1990 से हम लोग राम जन्मभूमि निर्माण के लिए प्रयासरत थे, आज वो शुभ घड़ी आई है, तो ये छोटा सा समर्पण तीर्थ क्षेत्र के लिए करते हुए हमें और मेरे परिवार को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। खबर यूपी के भदोही से है, जहां 7 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है, जहां कोविड 19 की वैक्सीन भदोही जाने की जगह बरेली पहुंच गई थी। वैक्सीन की खेप को बरेली स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा फिर से भदोही लाया गया था। यानी आपको बता दें कि 16 जनवरी यानी आज से भदोही जनपद के 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जनपद में पहले ही पूरी तरह से कर ली गई थी। कोविड 19 की वैक्सीन को भेजने में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वैक्सीन की खेप जो कि भदोही पहुंचनी थी वह पहले बरेली पहुंच गई थी, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वैक्सीन भदोही लाई गई। जब इसकी जानकारी भदोही जनपद के प्रशासन को लगी तो उसके बाद एक टीम को बरेली भेजा गया।
वह टीम बरेली से वैक्सीन की खेप लेकर भदोही पहुंची। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य आज से शुरू किया जाएगा। इसमें जिले के 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जनपद के 2 जिला स्तरीय हॉस्पिटल में 17 बूथों पर टीकाकरण का कार्य 16 जनवरी से शुरू होगा। 16 जनवरी को 3 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पहले फेज में हेल्थ वर्कर को टीके लगाए जाएंगे, उसके बाद जिस तरह से शासन के निर्देश होंगे उस हिसाब से आगे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के भदोही में वैक्सीन को पहुंचाने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैक्सीन की खेप पहले भदोही जनपद पहुंचनी थी, लेकिन भदोही के बजाय वैक्सीन की खेप पहले बरेली पहुंच गई। उसके बाद जब स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी लगी तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने वैक्सीन की खेप को बरेली से भदोही लाया। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य आज से शुरू किया जाएगा। इसमें जिले के 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जनपद के 2 जिला स्तरीय हॉस्पिटल में 17 बूथों पर टीकाकरण का कार्य 16 जनवरी यानी कि आज से शुरू होगा। 16 जनवरी को 3 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। पहले फेज में हेल्थ वर्कर को टीके लगाए जाएंगे, जिसके बाद जिस तरह से शासन के निर्देश होंगे उस हिसाब से आगे के कदम उठाए जाएंगे। कोविड वैक्सीन 16 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी, तो इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। भदोही जनपद में कुल 7 केंद्र हैं, जहां पर 5 हमारे CHC और 2 जिला स्तर के चिकित्सालय हैं। उनमें कुल 17 बूथों पर कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 तारीख को 3 स्थानों पर MCS ज्ञानपुर, CHC गोपीगंज तथा CHC सूर्यावां एक एक सत्र लगेगा। 100-100 व्यक्तियों को, कुल 300 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद फिर निर्देश शासन से प्राप्त होंगे तो अकॉर्डिंगली हर केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान की शुरुआत कर दी गई। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। ऐसे में 10 महीने तक कोरोना महामारी के चलते दहशत में रहे गोंडा जिले वासियों के लिए यह बेहद राहत भरी खबर है। कोविड वैक्सीन की पहली खेप में 17,290 डोज गोंडा पहुंच चुकी थी और 16 जनवरी यानी कि आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण में जिले के 14,148 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक लाभार्थियों को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिले के 4 सरकारी अस्पतालों, क्रमशः जिला पुरुष अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, CHC नवाबगंज व मनकापुर व निजी क्षेत्र के 2 अस्पतालों SCPM मेडिकल कॉलेज हरिपुर व SCPM हॉस्पिटल छेदीपुरवा को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जहां आज टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन से CHC करनालगंज, हल्दरमऊ, बेलसर, छपिया, खरगूपुर, कटरा बाजार, मुजेहना, पंडरी, कृपाल, इटिया थोक, वजीरगंज में टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही की तरफ से 13 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जो अपने आवंटित ब्लॉकों एवं सत्र स्थलों पर टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। खबर यूपी के आगरा से है। यूपी के आगरा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची आगरा इंडस्ट्रियल एरिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज आगरा पहुंची।
सबसे पहले सुबह 11 बजे उनका काफिला आगरा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा, जहां उन्होंने एक निजी मार्बल कंपनी में जाकर वृक्षारोपण किया। साथ ही वहां चल रहे मार्बल पर कारीगरी को बारीकी से जाना। इस दौरान उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स की जमकर तारीफ की। इसके बाद उनका काफिला आगरा सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों संग बैठक की और अंत्योदय भारत के तहत लाभार्थियों के समूह को चेक वितरित किए। इस दौरान कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वास्थ्य अधिकारियों के संग बैठक में पिछले साल 18 वर्ष से कम उम्र के 1286 युवा टीवी मरीजों को गोरिये युवाओं की भी जानकारी ली, जिसमें से 800 से ज्यादा टीवी मरीज स्वस्थ होकर आम जीवन जी रहे हैं, जबकि 446 बच्चे अब भी इलाज करा रहे हैं। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोरोना काल में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स काफी उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान सीएमओ आगरा आरसी पांडे और जिला अस्पताल के अधीक्षक सतीश वर्मा सहित एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय काला भी सम्मानित किए गए। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वास्थ्य अधिकारियों के संग बैठक में पिछले साल 18 वर्ष से कम उम्र के 1286 युवा टीवी मरीजों को गोद लिए युवाओं की भी जानकारी दी, जिसमें से 800 से ज्यादा टीवी मरीज स्वस्थ होकर आम जीवन जी रहे हैं, जबकि 486 बच्चे अब भी इलाज करा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएमओ आगरा आरसी पांडे और जिला अस्पताल के अधीक्षक सतीश वर्मा सहित एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय काला भी सम्मानित किए गए। डॉक्टरों में बहुत बड़ा उत्साह है। आज का दिन इस तरह से हो गया कि इनकी पूरी थकान आज दूर हो गई है। आज गवर्नर साहिबा महोदय के हाथों से जब इन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है कोरोना वॉरियर्स का, तो आज ये बहुत ही खुश हैं और आगे उसी भी दम से जिस तरह से इन्होंने पूर्व में काम किया है, आने वाले दिनों में हम वैक्सीनेशन के लिए और अच्छा काम कर देंगे। डॉक्टर साहब, पहले 16 सेंटर्स पे लगाने जाने थे, अब 6 सेंटर रह गए, 600 लोगों को लगेगा। क्या कुछ और भी बदलाव है? कुछ नहीं, अभी कोई वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। 6 सेंटर हमारे ऐसे हैं जिसमें कि 100 को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, उसके बाद में फिर उसे आगे बहुत ही जल्दी ये पूरे उसमें, क्योंकि दवाइयों की कमी नहीं, वैक्सीन की हमारे पास कमी नहीं है। 26,280 वैक्सीन आ गई हैं, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही वहाँ से निर्देश मिलेगा, हम अपने सेंटर्स को बढ़ा लेंगे। डॉक्टरों में बहुत खबर यूपी के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के तौर पर 2,00,000 रुपए दान में दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2,00,000 रुपए की धनराशि अपने व्यक्तिगत मदद से दी। 15 जनवरी से अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें दान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 2,00,000 रुपए दान किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर के लिए समर्पण निधि आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और श्री राम तीर्थ के महामंत्री चंपत राय कमल नयन दास को 2,00,000 का चेक दिया। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अकाउंट से 11,00,000 रुपए का चंदा दे चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोग घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदे का वितरण कूपन के तौर पर किया जाएगा। आपको बता दें कि 10, 50, 100 और 1100 तक के कूपन उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2,00,000 रुपए की धनराशि अपने व्यक्तिगत मदद से दी। 15 जनवरी से अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें दान दिया है। सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 2,00,000 रुपए दान किए हैं।
खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। यूपी के कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आए दिन तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं एक और तेज रफ्तार का कहर यूपी के कन्नौज में देखने को मिला। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र इनायतपुर के सर्विस रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत अभी तक गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र इनायतपुर के सर्विस रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत अभी तक गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। यूपी के मैनपुरी में आज से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन कल मैनपुरी पहुंच गई थी। एक तरफ जहां पूरा देश कोविड-19 के संक्रमण से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी राहत की खबर आ रही है। आज यानी कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल वैक्सीन भेज दी गई थी। टीकाकरण में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर वैक्सीन कल मैनपुरी पहुंच चुकी थी। जनपद मैनपुरी में 3 जगह पर कोविड-19 टीकाकरण का कैंप लगाया गया है। पहले चरण में 7,051 स्वास्थ्य कर्मी की सूची कोविड-19 टीकाकरण के लिए तैयार की गई थी, जिन्हें आज यानी कि 16 जनवरी को टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 28 दिन बाद कोविड टीकाकरण को लेकर दूसरी डोज स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। ये कल हम लोगों को वैक्सीन यहाँ से प्राप्त हो गई थी आगरा से शाम को, और इसमें जो है अभी हम लोगों को 3 सत्रों पर लॉन्च सेशन करना है और एक सत्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। इस प्रकार अभी हम लोगों को कल 300 लोगों को वैक्सीन लगाना है, जिसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी सरकारी एवं निजी संस्थानों के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो उनको जो चिन्हित करके लगाया जाएगा, और इसका लॉन्च कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा जो दिल्ली से कनेक्ट करके और हमारे प्रधानमंत्री जी इसका लॉन्च कार्यक्रम करेंगे। किस किस जगह पर सर ये कल लगेगी? कल ये जो है जिला चिकित्सालय के ऊपर एक सत्र लगेगा, एक जागीर सीएचसी पर और एक कुचैला सीएचसी पर सत्र लगेगा। सर तीन जगह पर लगेगा। कितने लोगों को सर प्रथम? 300 लोगों को इसमें करना है, जैसा कि अभी हम बता चुके। ये कल हम लोगों को वैक्सीन यहाँ से प्राप्त हो गई थी आगरा से शाम को। और खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खबर पंजाब के अमृतसर से है। अमृतसर में चोरी की वारदातें आम बात हो गई हैं। दिन ब दिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें पुलिस का जरा सा भी डर नहीं रहा। इसी के चलते अमृतसर के थाना कोट खालसा के अधीन आते रामनगर कॉलोनी में दिन दहाड़े एक घर में चोरी होने की वारदात का पता चला। घर में कोई ना होने के कारण चोर घर में पड़ी हजारों की नकदी व लाखों के गहने लेकर चोरी करके फरार हो गए। पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अमृतसर के थाना कोट खालसा के गुरु नानकपुरा रोड पर रामनगर कॉलोनी की गली नंबर 6 में रमन कुमार नामक व्यक्ति के घर चोरी होने की सूचना मिली। रमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किसी काम के सिलसिले में आज सुबह घर से बाहर गए हुए थे। जब वह दोपहर बाद घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था।
जब हमने घर के भीतर कमरे में देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, घर की अलमारी भी खुली पड़ी थी। जब हमने अपने घर में पड़ा सामान देखा तो हमारी अलमारी से 25 तोले के करीब सोने के गहने व 16,000 रुपए के करीब की नकदी थी, वह सब चोर चोरी लेकर चले गए। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने पुलिस को उसकी सूचना दी, पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं थाना कोट खालसा के पुलिस अधिकारी दविंदर कुमार ने बताया कि हम मौके पर आए हैं, रामनगर कॉलोनी गली नंबर 6 में रमन कुमार के घर चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि घर से सोने के गहने व नकदी चोरी हुई है। चोर दोपहर के समय घर में आए, तब घर में कोई नहीं था। हमने इनके कहने पर शिकायत दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। रमन कुमार, मैं साढ़े 12 बजे घरों गए हैं, घर कोई नहीं उस वेले, वो ताला पता नहीं लगा रहा कि खुला रहा, वो नहीं पता लगा सानू, तो कोई चोर अंदर आके इस तरह पैसे ही कोई कैश ही 63,000 रुपया सोना ही 20 तोले वो सारा चोरी करके लै गया। कितने घर है ये अपना? ये रामनगर कॉलोनी गली नंबर 6 हाउस नंबर 114 ही साढ़ा। किन्ने बजे की गल है जी? ये 12:30-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 20-22 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਵਾ ਨਾਲ 62,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ। ਰਣਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਖਬਰ उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पीडब्ल्यूडी के द्वारा रिपेयरिंग की गई सड़क मात्र 1.5 महीने में टूट गई। उत्तराखंड के रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मपुरी ठेरी में धानपुर घासी मेन रोड से ग्राम सभा से मलखली तक रोड का मरम्मत कार्य किया गया था, लेकिन मात्र 1.5 माह में ही सड़क फिर से उखड़ने लगी और बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लगे। इन बड़े गड्ढों के होने के कारण कई छात्र व बुजुर्ग इन गड्ढों के कारण चोटिल भी हो गए। वहीं गांव वालों का आरोप है कि ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत के चलते इस रोड की मरम्मत कार्य में सही मात्रा में मटेरियल नहीं लगाया गया, जिसके चलते सड़क मात्र 1.5 माह में ही उखड़ चुकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार द्वारा रोड की मरम्मत का पैसा आया है तो उस पैसे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। वहीं प्रशासन से बात करने पर और स्पष्ट जवाब ना मिलने पर कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से मिलीभगत का इशारा करती है। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत 14 घाटी में विभिन्न औषधीय पादपों की प्रजातियों के कृषिकरण हेतु एक परियोजना क्रियान्वित है, जिसके तहत यहां पर 7 प्रजातियां मुख्यतः वन हल्दी, समयो, कुटकी, कटकुट आदि जो बहुमूल्य औषधियाँ हैं उनके कृषिकरण हेतु यहाँ के किसानों को विगत 2 वर्षों से प्रेरित किया जा रहा है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो औषधीय पादप हैं उनके संरक्षण संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यशालाओं और को क्रियान्वित किया गया। इसी के तहत हमारे 14 घाटी में आज वन हल्दी के उपयोग और उसके बहुमूल्य प्रजाति के किस प्रकार से हम वहाँ पे अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं के तहत एक कार्यशाला का आयोजित किया गया। गोविंद, आपका राज्य आपकी खबरों में। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार। नमस्कार।